सजावट करती हूँ ये सब इस तरह से पीले रंग में मैंने डेकोरेशन करी है, थोड़ा सा करना अच्छा लगता है। तो धूप बत्ती दीपक और ये सब अब पूजा स्टार्ट की जाएगी हरतालिका तीज की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरे आज दो प्रोडक्ट और मुझे आज रखे हुए, पहला ये सेकेंड ये। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम शेयर किया था कि मैंने रनर और ये फ्लेवर ये सारी चीज़ें मंगाई है, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, तो भाई मैंने ये मीशो से मंगाया है और ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो मैं दोनों साइड से शॉपिंग करती रहती हूँ। और एक रनर मैंने मल्टी कलर में दिवाली के लिए मंगा लिया है और बहुत ही अच्छा है ये क्वालिटी वाइज। ये 268 रुपीज़ में मुझे ये मिला है और ये इस पैटर्न में है, ये आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। और इसी का मैचिंग का मैंने जो है चेयर कवर मंगाए हैं, तो आज ही मुझे दोनों चीज़ें रिसीव हो गई हैं, तो फटाफट से इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैं सारी ही प्रोडक्ट आपके सामने ओपन करती हूँ ताकि एक आइडिया लग जाए कि कैसे आए हैं कैसे नहीं आए हैं, सही हैं या नहीं हैं। और कई बार मीशो की क्वालिटी सब लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं आता है, तो भाई आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अच्छे आते हैं, एक दो हो जाता है आप ऑनलाइन जब मंगाते हो। अब आप देखो ऑनलाइन से मैंने कितनी सारी, ऑनलाइन देख के ही मैंने सारी चीज़ें मंगाई है, जैसे ये मैट है, ये कुशन कवर है, सब कुछ इतना मैचिंग करके आया है। आप इतना तो लोग जब आप मार्केट नॉर्मल मार्केट में भी जाते ना तब भी आपका इतना मैचिंग नहीं हो पाता है। और फिलहाल चेयर कवर मैंने इसके हाथ मंगाए थे, ये सेट ऑफ सिक्का है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये इस तरह की चेयर कवर है, 800 रुपीज में मुझे ये पड़ा है। ये देखिए प्रिंट मैंने कुछ इसी तरह का प्रिंट लिया था क्योंकि मेरे पास यही वाले सेट हैं। ये देखिए इस तरह से चेयर कवर आया है, तो अभी मैं आपके सामने चेयर कवर भी देखती हूँ इलास्टिक वाइज कैसा है। इनको पहनाना आसान होता है, आ गया है। और ये टेबल रनर है, इस तरह का रनर, ये देखिए ये टेबल रनर है, काफी अच्छा इसका पैटर्न है। ये टेबल रनर, ये कवर मैचिंग है काफी हद तक, उसी में ऐसे ही मैंने टेबल मैट और जो ये रनर है सेम ऐसे ही मेरे पास है, टेबल मैट है, तो ये सेंटर में डालने के लिए और ये इस तरह से, तो ऑल ओवर लुक हमारी पूरी डाइनिंग टेबल का एक जैसा आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये मैंने कवर इस पे सही आया है, क्वालिटी ठीक है, मतलब इतने प्राइस में आपको इतना अच्छा मिल रहा है, तो गुड शॉपिंग। तो अभी यहाँ पर तो मेरी शॉपिंग तो सारी शॉपिंग हो चुकी है और आज मुझे जो है गणपति पप्पा को लेने भी जाना है, तो अभी मैं गणपति पप्पा के लिए जा रही हूँ लेने के लिए, उनके स्वागत के लिए। और आज हरतालिका तीज भी है, तो अभी मुझे रेडी भी होना है तीज के लिए भी। तो तीज कैसे करती हूँ, मॉर्निंग का आपका मैंने अपना तीज रूटीन मॉर्निंग आप लोगों के साथ शेयर किया है, बस अब फटाफट से मार्केट का काम निपटाने के बाद मैं भी रेडी हो जाती हूँ अपने हरतालिका तीज व्रत के लिए। तो आगे का ब्लॉग देखने के लिए जुड़े रहे चैनल से। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मार्केट में तो बहुत सारे इको फ्रेंडली गणेश जी मिल रहे थे और इको फ्रेंडली गणेश जी ही लेने चाहिए, तो मैंने इस बार अपने इको फ्रेंड गणेश जी बड़े वाले ले लिए हैं और बाकी की चीज़ें भी ले ली हैं। अब जल्दी से घर जाकर फटाफट करनी है मेहंदी की तैयारी। तो अभी जा रही हूँ मेहंदी के लिए अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि 16 श्रृंगार में मेहंदी ना लगे तो अधूरा है और तीज की मेहंदी बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलती हूँ अपनी फ्रेंड के घर, चलते हैं उसके घर पे।
जैसे कि मैंने 16 श्रृंगार की बात करी, 16 श्रृंगार में आलता भी आता है और मुझे आलता ये बेहद पसंद आता है। हालांकि हमारे यहाँ नहीं लगता है, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। 16 श्रृंगार में आता है तो ज़रूर करती हूँ। तो बाकी तैयारी करनी है पूजा की, और मैं जो हरतालिका तीज व्रत करती हूँ करवा चौथ की तरह ही करती हूँ। चांद को देखकर जल पी लेती हूँ एक टाइम, और मैं ना रात को खाना और नमक वगैरह तो नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ मैंने शादी से पहले ही ये तीज व्रत किया था, तो इसी वजह से मैं वैसे ही करती हूँ। 16 श्रृंगार भगवान जी को अर्पण करती हूँ माता रानी के लिए, और भोग प्रसाद सब कुछ इकट्ठा कर लेके पूजा करती हूँ। 3 बार पूजा करती हूँ, एक मॉर्निंग में सुबह 6 बजे 7 बजे वाली होती है, एक शाम को प्रदोष काल के टाइम पे होती है, और एक जब चंद्र उदय हो जाता है ना 10 बजे के आसपास, एक तब मैं पूजा करती हूँ। और इस टाइम में जो है चंद्रमा को अर्घ देकर मैं व्रत खोल लेती हूँ, मतलब जल पी लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद में फिर अगले दिन ही दान करके फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। तो जैसे सब कहते हैं इसी तरह से करती हूँ, मैं थोड़ा ऐसे ही करती हूँ। तो ये रहती है मेरी हरतालिका तीज की तैयारी। और शाम के समय मेरी फ्रेंड भी आई थी जिसके साथ मैंने शाम वाली प्रदोष काल की पूजा भी करी थी। बाकी व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा।